सो हेलो एवरीवन, दिशा वार्षिक और अभी करने वाले हैं ग्लोबल हेयर कलर। ग्लोबल हेयर कलर में मैं जो यूज़ करने वाला हूँ प्रोडक्ट वो है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का जो प्लम शेड आता है, प्लम शेड उसको कहते हैं। सो उनका मैं तीन कलर के साथ करने वाला हूँ, प्लम शेड, डार्क टू लाइट, रूट्स से डार्कर शेड से लाइटर शेड तक जाएंगे। और वो कलर जो उनके मेरे क्लाइंट के बालों का जो कलर है, आप देख सकते हो नेचुरल उनका नहीं है, ऑलरेडी उनके हेयर पे ब्लॉन्ड शेड का, कॉपर ब्लॉन्ड शेड का कलर किया हुआ है। सो उनको अभी चाहिए थोड़ा सा रेड का रिफ्लेक्शन, मतलब बिल्कुल रेड भी नहीं चाहिए और थोड़ा सा जो रेड का रिफ्लेक्शन होता है। तो मैंने उनको शेड दिखाया तो उनको प्लम शेड का कलर पसंद आया। सो मैंने बोला चलो ठीक है, प्लम शेड करते हैं। सो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कलर, और देखते हैं कि कौन कौन सा कलर का शेड मैं मिक्स करने वाला हूँ। जो डार्क टू लाइट कलर जो मैं कर रहा हूँ प्लम शेड, उसका मैं तीन कलर यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज उनका हेयर पे थोड़ा ग्रे भी है। सो ग्रे हेयर जो उनका है वो सिर्फ रूट्स में है, अराउंड 5-6 महीने पहले उन्होंने कलर किया था। तो 5-6 इंच का उनका ग्रे भी है थोड़ा, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। सो उसको भी कवर करना है और थोड़ा लाइट शेड का ग्लोबल भी करना है जिससे कलर दिखे। मैंने बताया कि प्लम शेड तो मैं रूम्स में जो यूज़ करने वाला हूँ वो है आपका 3.26, ये प्लम शेड में आता है। और थोड़ा मिक्स करेंगे, इसको मैं यूज़ करूँगा रूट्स पे 20 वॉल्यूम के साथ। एंड उसके बाद मैं रूट्स से जो मिडिल का सेक्शन होगा वो मैं मिडिल पे यूज़ करने वाला हूँ प्लम शेड का 5.28 का कलर। 5.28 में मिडिल टू मिडिल एंड यूज़ करूँगा, पूरे एंड तक नहीं आना है मैं मुझे। एंड देन उसके बाद मिड टू एंड जो यूज़ होगा वो मैं यूज़ करने वाला हूँ 5.68 जो कलर है मोका शेड का, ठीक है। जो मोका लाइट ब्राउन शेड में है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए और कलर दिखना भी चाहिए। सो मैं ये तीन कलर को मैं यूज़ करने वाला हूँ। रूट्स में अलग कलर है, मिडिल में अलग यूज़ कर रहा हूँ और एंड्स का अलग यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं तीन कलर यूज़ करूँगा और मैं तीनों ही 20 के साथ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उनका हेयर ऑलरेडी लाइट हेयर है तो मुझे लिफ्ट नहीं करना है, ऑलरेडी कलर लिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 5-6 लेवल का कलर किया हुआ उनका थोड़ा ब्लॉन्ड शेड पे, तो मुझे लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, पहले मैं अप्लाई करने वाला हूँ रूट्स पे, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा मिडिल एंड उसके बाद एंड। सो मैंने रूट्स के लिए कलर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है और मिक्स कर लिया है। एंड अब जैसे कि देख सकते हो सबसे फर्स्ट मैंने जो एप्लीकेशन स्टार्ट किया है वो रूट्स पे किया है बिकॉज रूट्स पे मैंने जो पहले बताया कि थोड़ा डार्क शेड पे कलर करना है बिकॉज उनका थोड़ा ग्रे हेयर है और उनको जो कलर उनका अभी है उससे थोड़ा डार्क चाहिए बिकॉज उनका ऑलरेडी हाई कलर है, लाइट शेड का कलर है, तो उनको थोड़ा डार्क चाहिए था। और आप जैसे कि देख सकते हो हेयर उनका ब्लॉन्ड शेड पे है, उनको थोड़ा रेडिश रिफ्लेक्शन लाइक चॉकलेट रिफ्लेक्शन चाहिए था। सो कलर मैंने सबसे पहले रूट्स पे एप्लीकेशन किया है 20 वॉल्यूम के साथ। सो ऑल ओवर हेयर पे रूट्स पे ये एप्लीकेशन होगा। एंड अप्लाई करने के बाद जो मैंने बताया कि मिड का कलर जो है वो अलग है तो उसको मिक्स करेंगे एंड उसके बाद मिड पे एप्लीकेशन करेंगे एंड उसके साथ फिर एंड्स पे एप्लीकेशन करेंगे। तो रूट्स पे एप्लीकेशन हो गया, अभी एप्लीकेशन करना है मिडिल पे, मिड एंड्स छोड़ के करना है क्योंकि एंड्स पे जो कलर होगा वो मिड का कलर से थोड़ा लाइटर शेड होगा।
पे जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि एंड्स पे जो कलर लगा लग रहा है वो एक दूसरे बोल पे मैंने उसको ऑलरेडी मिक्स करके रखा था और वहाँ से यूज़ करा है। सो हमारे पास में कलर जो मैंने अभी मिड और एंड दोनों एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। सो हमारे पास दो बोल है और दो अलग अलग कलर है जो मिक्स करके रखे हैं ऑलरेडी, और मिड में भी अप्लीकेशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ में एंड का भी अप्लीकेशन स्टार्ट है। सो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो इसी तरीके से ऑल ओवर हेयर पे अप्लाई करना है और अप्लीकेशन करने के बाद इस कलर को हम लोग रखेंगे 35 मिनट्स, बिकॉज हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं तो 35 मिनट्स का टाइमिंग होगा। अप्लीकेशन के बाद हम लोगों ने वेट किया है, जैसे कि देख सकते हो अप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, वेट करना है 35 मिनट्स के बाद हम लोग वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे एंड इनका हेयर कट है तो हेयर कट भी करेंगे। सो आफ्टर वॉश एंड ड्राई इनको थोड़ा सा हेयर को कट करना था बिकॉज एंड्स का थोड़े स्प्लिट्स थे और डैमेज था, तो उसको थोड़ा सा रिमूव करना था और इनको लेंथ भी शॉर्ट नहीं करना था, फ्रंट से थोड़ा हेयर को काटना था तो थोड़ा चेंजेस से था, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना था, तो उसी तरीके से मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नहीं करके हेयर कट किया थोड़ा थोड़ा और स्टाइलिंग किया, ब्लो ड्राई किया एंड फाइनल लुक आप देख सकते हो। आप जैसे कि अब आप पास में बिफोर का जो पिक्चर है और ये फाइनल हुआ, क्लाइंट को फाइनली पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा। आप बता सकते हो कि आपको कैसा लगा हेयर कलर, क्योंकि उनको थोड़ा डार्क शेड में चाहिए था, कलर काफ़ी अच्छा आया है और क्लाइंट भी खुश है, आप देख सकते हो हैप्पी फेस। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।